पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है, तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवीय के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये सात शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी, और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों की घोटालों से स्पर्धा। ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल फाइव में पहुंच चुके थे। मान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था। अब 10 साल में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, ताकत भर दी, वो थी देश निराशा की गर्त में से निकल करके आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया।